बताऊं? कुछ बता ही नहीं सकता, बहुत टेंशन है। चलिए कुछ तो आप सब यहाँ, आप सब तो अपने अपने भाई के लिए भाई दूज की तैयारियां कर रही थी ना? हाँ पोपट भाई, अब तैयारी पूरी हो चुकी है और अब भाई दूज की रस्म करने की बारी है। आपके भाई कहाँ है? हमारे भाई हमारे सामने खड़े हैं। मैं? यस। हम सारी तैयारियां आपके लिए तो कर रहे थे। हाँ, मेरे लिए? आप लोगों ने बताया क्यों नहीं जब मैं आप लोगों के घर आया था? क्योंकि हम सब आपको सरप्राइज देना चाहते थे। कैसी लगी सरप्राइज पोपट भाई? मजा आया ना? जबरदस्त, जबरदस्त लगा सरप्राइज। आप लोगों ने तो दिल खुश कर दिया। हमारे भाई तो रात को आने वाले हैं। अभी जो भी तैयारियां हो रही थी वो आपके लिए हो रही थी। हाँ। आपको क्या लगा था पोपट भाऊजी हम हमारे भाइयों को बुलाएंगे और आपको भूल जाएंगे? हाँ? मुझे लगा कि मैं वो। आपको गलत लगा पोपट भाई। हमारा भाई बहन का रिश्ता भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर खून के रिश्ते से कम भी नहीं है। गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनें आपसे बहुत 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 प्यार करती हैं। हाँ पोपट अंकल, आप बहुत ही लगी हो। अरे भाई पोपट, तू तो एकदम लाडला भाई है। अरे जिसके पास इतना प्यार करने वाली 6-6 बहने हो, उससे ज्यादा खुश नसीब इंसान तो और कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ टचवुड, इतनी सारी बहनों का इतना सारा प्यार और सबके घर का खाना, पोपट अंकल आपसे लकी कोई नहीं है। बहनों, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब कोई इंसान अकेला रहता है तो अगर उसे इतना सारा प्यार मिले तो वो बाविबोर हो जाता है। मेरी भी यही फीलिंग है। मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि त्योहारों के दिन में अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे कभी ये महसूस नहीं होने देता कि मैं अकेला हूं। आप लोगों का प्यार और दुलार मेरे लिए क्या मायने रखता है मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे बस बस पोपट भाऊजी, आप तो एकदम भावुक हो गए। चलिए भाई दूज की रस्म बाकी है ना, वो करनी है ना। और पोपटलाल भाई, हम सभी बहनों की यही दुआ है कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थैंक यू। आप सबका प्यार और आशीर्वाद है तो मेरी शादी सच में बहुत जल्द हो जाएगी। ऑफ कोर्स पोपट भाई, शादी भी हो जाएगी और ऐसी लड़की से होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। हमारे पोपट भाई की होने वाली पत्नी तो रूपवान, गुणवान, अरे लाखों में एक होगी, लाखों में। यस, स्पेशल। थैंक यू। लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक होगी। दुआएं तो हो गए, अब थोड़ा सा खाना भी हो जाए प्लीज। बेबी, चलिए चलिए पोपट भाई, आज तो आपकी बहनें आपको अपने हाथों से खाना खिलाने वाली है। थैंक यू। चले। Thank you.
क्या चल क्या रहा है मिस्टर मेहता? अंदर आपकी किताबें कपड़े सब बिखरे पड़े हैं और आप है यहाँ पे मस्त अंगड़ाइयाँ लेके गाने गुनगुना रहे हैं। अंजलि, सब किताबें कपड़े शाम को सोते वक्त सब अपनी अपनी जगह पे रख दूंगा, इस वक्त मुझे कुछ मत कहो, बस अलसाने दो। अच्छा, ऐसा क्यों? रेगिस्तान में ऊँट होता है ना अंजलि, जब उसे लगता है कि उसे कई दिनों तक पानी नहीं मिलेगा तो 20 दिन का पानी एक साथ पी लेता, भाई कल मिले ना मिले। ठीक वैसे ही अब कल से फिर से काम शुरू है, आराम मिले ना मिले तो आज जितना चाहो आराम कर लो, अलसाने दो। वाह वाह वाह, आपकी तारीफ में दो शब्द कहते हैं। आलस के ऊपर जब साहित्य लिखा जाएगा ना, तब आपका नाम सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ। कभी पान नहीं खाता जेठालाल। अरे अच्छा, अभी पान में क्या डाइटिंग अंजलि भाभी? अरे जेठा भाई प्लीज, इसमें मेरे डाइटिंग को बीच में मत लाइए। मैंने कभी भी आपको पान के बारे में कुछ कहा खाइए नहीं खाइए? पर अंजलि, मैंने कब कहा कि तुम मुझे पान खाने से रोकती हो? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कभी। अरे तो अभी आपने ऐसा क्यों बोला, मैं कभी पान खाता ही नहीं हूँ। जेठालाल, मैंने इसलिए कहा कि मैं पान नहीं खाता हूँ क्योंकि पान खाया नहीं जाता, पान का लुत्फ उठाया जाता है। अच्छा, ऐसी बात है, पान का लुत्फ उठाया जाता है, वाह। पर वैसे भी हमारे यहाँ तो खान पान पे कितना जोर दिया जाता है, नहीं मता सर? नहीं, खान पान पे जोर तो दिया गया है, लेकिन ये जो खान पान में ये जो पान है वो ये वाला पान नहीं है। तो? वो पान है वो द्रव्य को ग्रहण करना, खान पान खाना पीना। ओ, अच्छा, ले बोलो, आज तक मैं तो यही से मता था कि वो खान पान मतलब ये खाने वाला पान। अच्छा, तुमने इस पान को ये पान समझा, खान को वो खदान नहीं समझा, वरना तुम सोचते है खदान में बैठ के आदमी पान खा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो उतना तो पता है मेहता साहब कि वो खान मतलब वो तो खाने की ही बात है। तो चलो इसी बात पे अभी पान का लुत्फ उठाए। अरे भाई, लुत्फ नहीं, लुत्फ लुत्फ। हाँ भाई, ओ लुत्फ ही भाई। ये अंजलि भाभी आपका। थैंक यू। ये मेहता साहब आपका। अरे वाह। और ये मेरा भी लेके आया हूँ, साथ में पान खाएंगा, वहाँ नहीं खाया मैंने। अरे वाह, ये देखो, ये होती है दोस्ती। वाह, इतना बढ़िया पान है कि पान खाते ही अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर याद आ गया। इशराद इशराद। जेठालाल, इशराद नहीं, इरशाद। कितनी बार बताऊं, इरशाद। तो अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं कि लगावट की अदा से उनका कहना कि पान हाजिर है, लगावट की अदा से उनका कहना कि पान हाजिर है, कयामत है, सितम है, दिल फिदा है, जान हाजिर है। वाह वाह वाह, मास्टर साहब, अंजलि भाभी एकदम बढ़िया। ये पान का बीड़ा जिस किसी ने बनाया, कमाल की चीज बनाई भाई। भाई जायका तो अपनी जगह है, लेकिन पान खा के हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को भी कुछ देर के लिए नवाब होने का एहसास होता है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। हाँ, लेकिन अब कल तो लाभ पंचमी है। तो? अरे तो क्या भाई, कल से दिवाली की छुट्टियाँ खत्म होने वाली है, तो अपनी हंसने की, मौज बनाने की नवाबियत खत्म होने वाली है, अलसाने की, आराम करने की ये रियासत लुट जाएगी, और फिर से मजदूर बन के काम करना पड़ेगा ऑफिस में जाके, और क्या। भाई जो भी है, मुझे तो लाभ पंचमी का दिन बहुत पसंद है। क्यों? अरे दिवाली की छुट्टियों के बाद दुकान खोलने का पहला दिन जो है। हाँ, लेकिन एक बात से थोड़ी तकलीफ होती है, अभी छुट्टियों के दिनों में जो आराम से सोके देर से उठने की जो आदत पड़ गई है ना, वो जरा कल से त्यागनी पड़ेगी। और क्या, आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो गई है, तो क्या गुलाबी सर्दी में इन्हें रजाई उड़ के सोने में जो मजा आता है, वो भी कल से जरा। अरे क्या टेंशन ले रहे हो तुम जेठालाल, यार तुम अपनी दुकान के मालिक खुद हो, जब चाहो जाओ, जब चाहो नहीं जाओ, अपने घर की खेती है भाई, जब चाहो बैल जोत लो, जब चाहो हल चला लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है मैटर साहब। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? अरे अरे, आप लोग तो बच्चों की तरह कितनी फरियाद करते हो। बच्चों की तरह मतलब? आप लोगों ने कभी भी हमारे बारे में सोचा? हमारे बारे में यानी गृहिणियों को, हाउसवाइफ्स को, कभी भी अपने काम के बारे में किसी को भी फरियाद करते हुए सुना?
त्योहार हो, छुट्टियां हो, वेकेशन हो या कोई भी दिन हो, हम गृहिणियां हमारा काम शत प्रतिशत लगन से करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे अंजलि भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे। तभी तो गृहिणी को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। अंजलि भाभी, सभी गृहिणियों को और उनके ये लगातार काम करने के पवित्र हौसले को सलाम है। धन्यवाद। और सभी गृहिणियों की ओर से सराहना करने वाले पतियों को भी धन्यवाद। और जहाँ तक हम बेचारों का सवाल है, छुट्टियों के बाद लगेंगे दो चार दिन लगेंगे, लेकिन फिर काम करेंगे तो गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। चलो मेहता साहब, मैं निकलूं वरना बापूजी अभी मेरी गाड़ी पटरी से उतार देंगे। और क्या कि कल लापाचम का दिन है तो सुबह जल्दी उठकर दुकान भी खोलनी है। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। ओके मेहता, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओके, अरे अरे आओ बात करो। ठीक है ठीक है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तोभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर। दिवाकर नमस्तोभ्यं, प्रभाकर नमोऽस्तु ते। हे सूरत दादा, आज लाभ पंचमी का दिन है। आज के दिन सोसाइटी में सभी को लाभ ही लाभ हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बापू जी, आज लाभ पंचम के दिन आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ जीतिया, आज लाभ पंचम के दिन मेरा यही आशीर्वाद है कि खूब मेहनत करो और खूब लाभ प्राप्त करो। है, जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ प्राप्त होगा। जी जी बापू जी, थैंक यू। तुझे पता है जेठिया, लाभ पंचमी को सौभाग्य पंचमी भी कहा जाता है। सौभाग्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आज का दिन लाभ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए दिवाली के बाद आज के दिन सारे व्यापारी और कारोबारी गणेश जी का नाम लेकर अपना काम फिर से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारियों के लिए तो बापू जी नए साल का पहला दिन है लाभ पंचमी, है ना। क्योंकि दिवाली की छुट्टियों के बाद सब अपनी अपनी दुकानें लाभ पंचम के दिन ही तो खोलते हैं। हाँ, लेकिन भाई तू भी अभी यहाँ खड़े खड़े कितनी बातें करते रहेगा, जा जल्दी दुकान जा। हाँ नहीं नहीं, आज तो मुझे वैसे भी जल्दी जाना है दुकान बापू जी। क्यों, बाघा नहीं है ना तो दुकान मुझे खोलनी है। तू बाघा कहाँ गया? बाघा वो दिवाली मनाने अपने मौसी के घर भावनगर गया, शाम तक आ जाएगा वैसे। ठीक है, चल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं बाबूजी। अरे कुछ नहीं हुआ तो क्या ढूंढ रहे? दुकान की चाबी। दुकान की चाबी नहीं मिल रही? हाँ नहीं। कहाँ रखी थी? यही डोर में ही रहती है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे भाई यही रहती है तो कहाँ चली गई, कि वो भी दिवाली की छुट्टी मनाने कहीं चली गई। पैंट की जेब ठीक से चेक कर। नहीं, चेक तो किया बापू जी। पीछे की जेब देख, पर्स है। एक काम कर, पैंट के पाइचे भी चेक कर। पैंट के पाइचे? क्या भूल गया? जब सबके घर की चाबी खो गई थी तब अपने घर की चाबी तेरे पैंट के पाइचे में से मिली थी। अरे हाँ, तभी तो चाबी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम तो उस बस में भी ढूंढने गए थे जिस बस में हम लोग घूमने गए थे, पर आखिर चाबी मिली कहाँ से? तो मेरे पैंट के पाइचे में से। तो इसीलिए कह रहा हूँ पैंट के पाइचे चेक कर। ठीक। नहीं है बाबूजी। अब लाभ पंचम के दिन दुकान नहीं खोलेगा? नहीं बाबूजी, दुकान तो खुलेगी, कैसे भी करके मैं दुकान तो खोलूंगा। अरे लेकिन बिना चाबी के कैसे दुकान खोलेगा तू? एक चाबी नट्टू काकर बाघा के पास रहती है ना बाबूजी। अरे लेकिन बाघा तो भावनगर गया है ना। आप वो दुकान की चाबी लेके थोड़ी गया होगा, चाबी तो नट्टू काका को देके ही गया होगा ना बाबूजी। तो फोन कर नट्टू को। गुड मॉर्निंग सेठ जी, हैप्पी सौभाग्य पंचमी। हाँ, आपको भी शुभ लाभ पंचमी।
अच्छा आप दुकान के लिए निकल गए? हाँ सेठ जी, बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। अच्छा सेठ जी, आपके पास जो दुकान की चाबी है ना, वो आज लेकर आना। क्यों? जो चाबी हमारे पास रहती है ना, वो चाबी बागा गलती से अपने साथ भावनगर ले गया है। क्या हुआ? वो क्या है सेठ जी? कि चाबी उसके पास पर्स में रहती है, तो जाते समय पर्स में से चाबी निकल कर मुझे देना भूल गया। अरे तो आपको याद नहीं रहा? नहीं सेठ जी, याद रहता तो चाबी मेरे पास होती ना। अरे क्या हुआ? एक मिनट, सॉरी एक मिनट। इसीलिए कह रहा हूँ सेठ जी कि जो चाबी आपके पास रहती है ना, वो आज लेके आना। अरे कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास वो चाबी वो मिल नहीं रही है। What? मिल नहीं रही है मतलब? अरे मिल नहीं रही है मतलब मिल नहीं रही है भाई, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखी थी। Oh my gosh, लाभ पंचमी के दिन ही हमारी दुकान नहीं खुलेगी? अरे चुप चुप बोलिए नटू काका, दुकान खुलेगी, दुकान जरूर खुलेगी। आप दुकान पहुँचो, मैं चाबी लेके फटाफट पहुँचता हूँ, ठीक है? जी जी सेठ जी। क्या हुआ? वो बाघा चाबी अपने साथ भावनगर ले गया। लाभ पंचम के दिन ही अपनी दुकान नहीं खुलेगी, ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी लापरवाही और भुलक्कड़पन की वजह से हुआ। अरे बापूजी खुलेगी दुकान, खुलेगी, चाबी यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, मैं ढूंढता हूँ। अरे टप्पू, टप्पू का क्या काम है? दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो फटाफट मिल जाएगी ना बापूजी चाबी इसके लिए। हाँ लेकिन टप्पू घर में नहीं है। क्यों, कहाँ गया? अरे वो तो सुबह सुबह क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए निकल गया। ओहो चल मैं मदद करता हूँ तेरी चाबी ढूंढने। नहीं नहीं बापूजी आप रहने दीजिए, मैं ढूंढ लूंगा। अरे चलना भाई अभी छोड़ना, मैं ढूंढ लूंगा बापूजी आप। चल चल चल। मुझे लगा शायद क्या शायद आगे देखा नहीं। हाँ ठीक, आप ढूंढ रहे थे ना बीच में गुरुवाणी मिलने, इधर कहाँ जा रहा है? चल अभी अंदर के रूम में ढूंढते हैं, चल। अरे वहाँ देखा नहीं, एक बार यही है। चल अल्ले भाई। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी। हाँ उसमें देख ली है? नहीं है। ओह देखा। चल भाई अंदर ढूंढ, यहाँ रखी होगी तूने। चल भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? लाभ पंचम के दिन ही दुकान की चाबी घुमा दी। लाभ पंचमी के दिन जेठालाल को अपनी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स खोलनी है, लेकिन जेठालाल की कुंडली तो आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं भैया। आपने दिवाली में बच्चों को चक्री चलाते हुए देखा है? जितने चक्कर वो चक्री नहीं खाती है ना, उससे कहीं ज्यादा चक्कर मेरे परम मित्र जेठालाल की जीवन में है। चाबी खो दी है भाई साहब ने दुकान की, और अब लाभ पंचमी के दिन दुकान न खुलने के पूरे पूरे आसार है। यदि ये चाबी न मिली तो क्या होगा? दुकान नहीं खुलेगी लाभ पंचमी के दिन, ये अपशकुन हो जाएगा। और ये सोचिए कि जब चाचा जी को पता चलेगा कि जेठालाल ने दुकान की चाबी खो दी है, तो वो जेठालाल का क्या हाल करेंगे? भाई सवाल कई सारे हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज आपके प्रिय, आपके चहीते, आपके दुलारे कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 2600, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2600 एपिसोड संपन्न हो रहे हैं। इस मुबारक मौके पर हम ईश्वर का और आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। आपने जिस तरह से हम पे प्यार बरसाया, हमें दुलार दिया है, हमें सम्मान दिया, यकीन मानिए अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो हम आज इस मुकाम पे नहीं खड़े होते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका साथ। बस आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और हम ये पारिवारिक बंधन इसी तरह जारी रखेंगे। हम जारी रखेंगे हमारा प्रयास आपको खुशियां बांटने का, आपके घरों में हंसी और खुशी के फूल उगाने का। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।